हेलो भाई, आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। ये देख रहे हैं, गंजा हो गया है और मेरा जनेऊ हो चुका है पूरा। और इतना थके हुए हैं ना, जनेऊ का दूसरा दिन, इतना थके हुए हैं, सारा रात जो है, पूरी रात जो है सो जगे हुए हैं पूरी रात। और बहुत काम है, इतना बता नहीं सकते हैं कितना थके हुए हैं सो। पूरा शरीर काम नहीं कर रहा। और हम सोए हुए कहाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए हम सोए हुए कहाँ, इधर है दीवार है, देखिए ना। और यहीं पर जो ये बनाया था ना, ये देखिए टेंट वाला भी पूरा कुछ कुछ सामान ले गया और हम यहाँ पे सोए हुए हैं। इधर फूल लगाए हुए थे, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटरिंग किया था स्टेज के लिए, और तो टेबल ही लगा था स्टेज के रूप में, इसी पर यहाँ पे बिछा करके और लेटे हुए। इतना पैर उड़ दर्द कर रहा है ना, बहुत दर्द, थकान उकान तो काफ़ी मात्रा में हो गया ना, बहुत ज़्यादा थकान हो गया, इसलिए बहुत हालत ख़राब है अभी। देखते हैं, थोड़ा भोजन वोजन कर लेते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद जो है सो और भी काम करेंगे। आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है भाई। रात के भी 10 बज रहा है और प्रकाश भी बैठा हुआ था, उठ के निकल गया यहाँ से। और थके हुए तो थे ही, सोए दिन भर पूरा। और अभी जो है एकादशी निस्तार का यज्ञ, मतलब एकादशी जो करते हैं माता राम कर रहे थे, वो निस्तार होगा, मतलब आज के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसका यज्ञ है। दिखाते हैं, वो भी सामान उमान आया है अभी। देखिए कुम्हार जो है सो सामान लाए हैं पूरा यहाँ पे गाड़ी से। और ये पंडित जी यही अभी पूजा करवाएंगे, कल भी करवाए थे, छथिन कोई नहीं, वीडियो वायरल होते यूट्यूब पर। उसके बाद हाँ, ये सब सामान जो दान का होता है सब है। देखिए पूरा रात यज्ञ होगा, पूरा रात यज्ञ होगा। ये कुम्हार जी हैं, लाए हैं सामान। देखिए ये पंडित जी क्या है, भगवान सब भगवान भगवान के द्वारपाल पर। अच्छा अच्छा अच्छा, सब मूर्ति बनाया हुआ है। और ये सब अभी पूरा रात चलेगा, छोटे पंडित जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरा रात चलेगा ये यज्ञ, सुबह तक, जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक। और आज भी पंडाल लगा हुआ ही है, ठीक 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 ठीक, खिला दे। और ये देखिए एकादशी यज्ञ शुरू हो गया है, माता जी बैठे हुए हैं और मामू यानी कि मामा जी दोनों बैठे हुए हैं। और इसमें मामा जी का विध होता है, वही भाई बहन का होता है, कुछ उतना डिटेल्स हम नहीं बता सकते हैं एकादशी निस्तार में, तो वही हो रहा है। अब ये पूरी रात जो है होगा, और पूरी रात होने के बाद जो है सो सुबह में विसर्जन किया जाएगा, जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह है पोखर में या गंगा जी में, जहाँ भी विसर्जन करना होता है विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा हो जाने के बाद सुबह में फिर हम लोग पोखर पर जाएँगे। और ये देखिए हम लोग पोखर पे आ गए हैं, ये मामू जी हैं मामा जी। और ये देखिए दीप है, कलश है, ये सब विसर्जन हो रहा है पोखर में। वैसे लोग गंगा जी में भी जाते हैं, लेकिन गंगा जी थोड़ा दूर हैं तो इसलिए नहीं जा पाए हम लोग। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद उसके बाद हम लोग घर जाएंगे यहाँ से। और ये मंडप अभी तुरंत छोटा सा बनाया हुआ बस। और ये देखिए रात में जितना भी सामान था यज्ञ में जो दान हुआ है वो पंडित जी का है, तो वो सामान लोड हो रहा है और यहाँ से जाएगा। और देखिए उसी दिन सेम दिन है, वही दिन और शाम को फिर से भोज हो रहा है। और ये खाना वाना बन रहा है, लिमिट आदमी का भोज है, ज़्यादा आदमी का नहीं है। क्या होता है ना, जो एकादशी निस्तार होता है उसके नेक्स्ट डे जो है सो पंडित जी होते हैं, उनको भी खिलाना होता है। पंडित जी को भी खिलाए और कुछ गांव के लोग को भी, जो बारिक वगैरह थे उनको भी खिलाए।